Good morning, students. Once again, we are in front of each other. Myself, Vijay sir. I am from Goregaon Municipal Secondary School. And today, we are going to learn the lesson which is from 9th standard textbook. And the title of our lesson is The Necklace. In last lecture, we learn about the poem. The title of our poem was Walk a Little Slower. In this poem, the small child was requesting to his father again and again because he want to be a successful person like his father. But today we are going to learn the lesson Necklace. This is the story of a beautiful but poor girl. One day she borrowed the necklace from a friend, but by mistake she lost it in the party. Then what will happen in this story, we will learn the detail line by line. So now I'm going to share the screen with you. So please, the meaning of difficult word and the meaning of this lesson in your mother tongue. So let's start my नेकलेस की कहानी है और इस कहानी की जो लीडिंग कैरेक्टर है मैथिल इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. मैथिल और नेकलेस इनके इर्द गिर्द ही ये कहानी घूमती रहती है. तो हम लोग इसे आज डीपली पढ़ेंगे पार्ट वन. Born as a prophet. मतलब जैसे कि by an error of fate. मतलब error of fate. Fate मतलब भाग्य होता है. Error of fate मतलब दुर्भाग्य से, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दुर्भाग्य से उनका जन्म हुआ था. Into a family of clerks. Mathilde was a beautiful girl. She was born by an error of fate into a family of clerks. मतलब कि उनका जन्म by mistake दुर्भाग्य से एक क्लर्क की फैमिली में हुआ था. She had no means of becoming known. She had no means of becoming known. उनके पास कोई भी साधन नहीं था becoming बनने का. Known, understood, loved or be wed to an aristocrat. देखिए an aristocrat. Aristocrat का meaning होता है यहाँ पर in English हम उसे rich कह सकते हैं. Very rich मतलब बहुत ज्यादा अमीर, उच्च कुलीन जिसे कहा जाता है. तो she had no means मतलब उनके पास कोई साधन नहीं था becoming known. Known मतलब famous बनने का. Understood जो उसे कोई समझ सके, उसकी पहचान बना सके. Loved जो उसे अपनापन दे सके, उसे बहुत प्यार करे. और to be wedded to an aristocrat और उनकी शादी किसी ऐसे उच्च कुलीन, किसी एक अमीर व्यक्ति के साथ हो, ऐसा कोई भी मतलब उनके लाइफ में उन्हें ऐसा एक दिख नहीं रहा था, कोई वे नहीं था कि ये सब चीजें उन्हें मिल सके. एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिज टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देखिए उन्हें पता था कि ना उन्हें कोई समझने वाला है, ना उन्हें कोई बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है, ना ही उनकी शादी किसी उच्च कुलीन व्यक्ति के साथ हो सकती है. और इसीलिए सो दैट शी लेट हरसेल्फ उन्होंने अपनी खुद की शादी की टू बी मैरिज टू अ माइनर ऑफिसर एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. शिक्षा मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक छोटे पद के अधिकारी. माइनर ऑफिसर को हम कहेंगे एक छोटे पद का जो अधिकारी था उनके साथ उन्होंने शादी कर ली. देखिए एक शॉर्ट पैरा हमने अभी पढ़ा.
मैथिल वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स बाय मिस्टेक, मतलब गलती से दुर्भाग्य से उनका जन्म एक क्लर्क की फैमिली में हुआ था, और वहां पे क्या हुआ, शी हैड नो मीन्स उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, सॉरी उनके पास कोई ऐसा वे नहीं था कि जिसके द्वारा वो बहुत फैमिलियर बन सके, उन्हें कोई बहुत अच्छे से समझ सके, उन्हें बहुत प्यार कर सके। सो इसीलिए उन्होंने एक शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक अधिकारी से, जो छोटे पद पे थे, ऐसे व्यक्ति से उन्होंने शादी की। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। शी ड्रेस प्लेनली, मतलब प्लेनली का मीनिंग यहाँ पर लेना है हमें, शी ऑलवेज वियर सिंपल ड्रेसेस, मतलब वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनती थी। प्लेनली का मीनिंग यहाँ पर सिंपल लेना है, बिकॉज क्योंकि शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि इससे अधिक कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड, शी वॉज अनेबल टू अफोर्ड, मतलब वो इससे अधिक महंगे कपड़े अफोर्ड करना मीन्स उसे परवड़ना, उसे परवड़ते नहीं थे, इसलिए वो हमेशा सिंपल कपड़े ही पहनती थी। शी ऑलवेज वियर सिंपल ड्रेस और प्लेन एंडलेसली फीलिंग शी वॉज ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ। देखिए, शी सफर्ड एंडलेसली, सफर्ड मतलब भुगतना, तकलीफ भुगतना, यहाँ पर शी सफर्ड एंडलेसली मतलब अंत तक, लास्ट तक वो भुगतती रही, फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ। लग्जरी का मीनिंग है लग्जरी मतलब शौकत, जो बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कुछ शौकत की चीजें है, पर मेरा हक, मैं हकदार हूँ, और इसीलिए उन्हें बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ी और भुगतनी पड़ रही थी। सफर्ड बिकॉज ऑफ चैबी एंड पुअरली फर्निश्ड हाउस, शी सफर्ड, उन्हें और ड्रेस प्लेन She had never been able to afford anything better. इससे अधिक बेटर उन्हें थी, उन्हें परवड़ता नहीं, इसीलिए वो हमेशा सिंपल थी। She suffered endlessly feeling she was of life. She suffered endlessly. मतलब वो उन्हें बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ी। Feeling she was entitled to all the luxuries of life, क्योंकि इस संसार में, इस लाइफ में, उन सब पर का अधिकार है, entitled मानना, इन सब चीजों पर वह अपने आप को हकदार मानती थी, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती थी। She suffered because of her shabby and poorly furnished house. She suffered, उन्हें और तकलीफ होती थी, because और शैवी एंड पुअरली फर्निश्ड हाउस, क्योंकि उनका जो घर था वो बहुत पुराना था, शैवी मतलब वेरी ओल्ड, एंड पुअरली फर्निश्ड, पुअरली फर्निश्ड मतलब कि वहां पर कुछ ऐसा डेकोरेशन वगैरह उस घर में नहीं था। आजकल हम बहुत डेकोरेटिव घर देखते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ था नहीं। सो शी वॉज सफर्ड ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस, और यही सब चीजें जो मैथिल्ड बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। लेखक का कहना है कि उनके क्लास जितनी मैथिल्ड गरीब थी, उस लेवल की कोई भी दूसरी औरत इतना सब कुछ नोटिस नहीं करती थी, उतना मैथिल्ड उससे अधिक नोटिस करती थी। टॉर्मेंटेड हर, और इसीलिए ये सब चीजें उन्हें सताती थी, एंड मेड हर रिसेंटफुल, और इसीलिए वो क्या होती थी, रिसेंटफुल मतलब क्रोधित हो जाती थी।
इन सब चीजों को किसी अमीर बंदे को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करना, उन्हें जो मिल रहा है वो सब मुझे मिलना चाहिए, ये जो हमारे अंदर की भावना होती है, ये भावना ही हमें कभी कभी ले डूबती है। तो इस तरह की मैथिल की सोच थी। शी वॉज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, शी बॉर्न इन पुअर फैमिली बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन हर लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ 8, शी हैड नो ड्रेसेस, no dress, nothing, and these were the only things she loved. देखिए, eight means अब तक, she had no rich dresses. उनके पास किसी भी तरह का rich dress नहीं था। मतलब rich dress का meaning यहाँ पर है costly dresses उनके पास नहीं थे। no jewels, कोई भी गहने उनके पास नहीं थे। nothing, कुछ भी नहीं था। and these were the only things she loved. और इन्हीं सब चीजों को वो बहुत ही चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। कौन सी चीजें? रिच ड्रेसेस मतलब कॉस्टली ड्रेस चाहिए थे उनको, और ज्वेल्स उनको बहुत पसंद था, बहुत सारे गहने। टाइटल ही हमारे लेसन का है नेकलेस, वो ज्वेल के बारे में इसमें तो जानकारी है ही। तो रिच ड्रेस और ज्वेल जो था उनके पास था नहीं, लेकिन ये सब चीजें उन्हें बहुत प्यारी थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी सॉट आफ्टर, टू बी एनवीड मतलब कि वो इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव दिखना चाहती थी कि लोग उन्हें देखकर उनके ऊपर जेलसी फील करें। इस तरह की फीलिंग उन्हें उनके अंदर आती थी कि मैं इतनी खूबसूरत दिखूं कि लोग मुझे देखकर मेरे जैसा बनने की कोशिश करें, मेरे ऊपर वो जेलसी उन्हें फील हो, इस तरह की भावना मैथिल के अंदर थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उनकी एक सहेली थी जो कि बहुत अमीर थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। कहा की थी अ फॉर्मर स्कूलमेट, मतलब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी थी, द कॉन्वेंट में दोनों एक साथ पढ़ती थी। होम शी अवॉइड विजिटिंग, और जिन्हें आजकल उनसे मिलना भी मैथिल को पसंद नहीं आता था, उन्हें अवॉइड करती थी। बिकॉज, अवॉइड करने का रीजन भी दिया है, बिकॉज After what she would weep with regret, despair and misery. देखिए, उन्होंने कहा है कि जब मतलब वो उसे मिले तो उसके बाद क्या होता था, she would weep, वो रोती थी with regret, regret मतलब दुख, खेद से वो रोती थी, despair निराशा उन्हें आती थी, and misery उन्हें बहुत कष्ट होता था। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को जो कॉन्वेंट स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़ी थी, उन्हें मिलना भी वो अवॉइड करती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था। One evening, her husband came home with an air of triumph. One evening, एक दिन शाम को her husband, उनके पति, came home, वो घर पे आए, triumph, with an air of triumph, मतलब very happily. He came home very happily. One evening, her husband, Mathilde husband, came home very happily. वो बहुत खुश मिजाज में घर पे आए, holding a large envelope in his hand. उनके हाथों में एक बहुत बड़ा लिफाफा था, एनवेलप था, लार्ज एनवेलप वाज इन हिज हैंड, एंड ही सेड लुक हियर इज समथिंग फॉर यू। एंड मैथिल्ड हस्बैंड सेड टू मैथिल्ड, लुक माय डियर, हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो हियर इज समथिंग फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड, मैथिल्ड ने क्या किया, शी टोर, टोर मतलब फाड़ दिया, ओपन द पेपर, लिफाफे को फाड़ दिया, उसमें से ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट द कार्ड, और उसमें से एक कार्ड उन्होंने निकाला, वर्ड्स इसके ऊपर हुए थे, वर्ड्स क्या थे अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वो प्रिंटेड वर्ड्स क्या थे, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एमएमई चार्ज, एमएमई का मीनिंग यहाँ पर है मैडम। सो द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एमएमई चार्ज रामप्यानू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर, M stands for Mr. and MM stands for Mrs. So, Mr. and Mrs. Loisel company at the ministry on the evening of Monday, January 18. देखिए, मतलब Ministry of Education, मतलब शिक्षा मंत्री, and MME George Rampion, मतलब उनकी wife, Mrs. George Rampion, इन्होंने स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया था। किसे आमंत्रित किया था? Mr. and Mrs. Loisel, मतलब मैथिल्ड और मैथिल्ड के हस्बैंड, इन दोनों को उन्होंने स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया था।
एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18 जनवरी सोमवार को, मतलब मंडे को, ऑन द इवनिंग शाम के समय जो पार्टी वहां पर रखी गई थी उस पार्टी में मिस्टर एंड मिसेस लॉयजेल इन दोनों को आमंत्रित किया गया था और इन्विटेशन कार्ड वह अपने वाइफ के लिए लेके आए थे. ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही केम होम. वो बहुत खुश थे और उन्होंने खुशी से अपने वाइफ को कार्ड दिखाया. अभी उसका परिणाम क्या होता है देखते हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टेड मतलब के बदले में, ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, खुश होने की जगह पे के बदले एज अ हस्बैंड हैड होप. उनके पति को ऐसे लग रहा था कि ये कार्ड देखकर शायद वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. She threw the invitation card जो था उन्होंने फेंक दिया on the table resentfully. बहुत क्रोधित से उन्होंने वो invitation card table पे फेंक दिया and muttered. और वो धीरे से बोली, What do you want me to do with that? और वो अपने पति से बोली, What do you want me? आप क्या चाहते हो to do with that? उस कार्ड के साथ मैं क्या करूं, उस कार्ड का मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो मुझसे. एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई गो. एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी, और आप क्या अपेक्षा क्या करते हो मुझसे, क्या अपेक्षा करते हो वियर इफ आई गो. अगर हम पार्टी में जाते तो मैं वहां पे क्या पहन के जाऊं, अपेक्षा करते हो आप. इस तरह का सवाल उन्होंने अपने पति को पूछा. He hadn't thought of that. He stammered. Why? He hadn't thought of that. उन्होंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था, लेकिन वो घटित हो चुका था. He stammered. वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए. Why? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me. तो हस्बैंड ने कहा मैथिल से, Why? ऐसा क्यों? The dress you go to the theater in, जो ड्रेस पहन के हम लोग मूवी वूवी को जाते हैं, तो वो ड्रेस बहुत अच्छा, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आप उस ड्रेस को पहन सकती हो, ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, वो जचता है आपके ऊपर. ही स्टॉप, वो रुक गया. स्टन, वह आश्चर्यचकित हो गया. डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस हो गया, मतलब वो अभी उसको भी ऐसे काबू नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा क्रोधित हुआ है. लेकिन निराशा से कुछ सी हिज वाइफ क्राइंग, उनकी जो वाइफ है वो चिल्ला रही थी, वो पूछ रही थी. सो ये भी निराश हो गए, कुछ बोल रहे थे तो रुक गए, आश्चर्यचकित रह गए. ही स्टटर्ड मतलब स्टैमर करना, हकलाते हुए बोलना. ही स्टटर्ड, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या समस्या है. लेट्स सी मैथिल, आगे वो बोल पड़े. लेट्स सी मैथिल, मैथिल देखते हैं. How much would a suitable dress cost? और आगे उन्होंने कहा, How much would a suitable dress cost? एक अच्छे ड्रेस की कीमत कितनी हो सकती है? इस तरह का सवाल, मतलब वाइफ की जो डिमांड थी वह पूरी करने के लिए उन्होंने सवाल पूछा. वह उनको नाराज नहीं देख पाए और इसलिए उन्होंने पूछा, How much would a suitable dress cost? एक अच्छे ड्रेस की कीमत कितनी हो सकती है? She thought for a moment. वो पल भर के लिए सोचने लगी. She thought for a moment, computing the cost. She was calculating the cost. मतलब वो मन ही मन में सोचने लगी कि भाई एक अच्छे ड्रेस की कीमत क्या हो सकती है. She was computing in her mind and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. Refusal का मीनिंग होता है नकार देना. तो पति से नकार तो ना आए इसीलिए कि मैं क्या प्राइस बताऊं, इस तरह का विचार अपने दिमाग में वो करने लगी. शी वॉज कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क. वो सोचने लगी कि मैं क्या कीमत बताऊं और विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि पति तुरंत ना बोल दे, इसके लिए मैं क्या अमाउंट बताऊं, इस तरीके से वो सोचने लगी. एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली. एट लास्ट, और अंत में शी आंसर्ड हेजिटेंटली. नाहा नाहा करते करते उन्होंने आंसर किया, आई डोंट नो एग्जैक्टली. और उन्होंने कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई कांट से यू श्योरली, मैं श्योरली आपको नहीं बता सकती हूं, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 francs. देखिए, एक तरफ उन्होंने कहा कि आई डोंट नो एग्जैक्टली,
आई कांट से यू श्योरली, मैं आपको श्योरली नहीं बता सकती हूँ, बट आई थिंक, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, आई कुड डू इट, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं मैनेज कर सकती हूँ, कितने में, विथ 400 francs, 400 francs में मैं एक अच्छा ड्रेस मैनेज कर लूंगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उन्होंने कीमत तो बता दी, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली हेजिटेंटली ऐसे वर्ड वहां पर आए कि ना हा करते उन्होंने अपने पति से पैसा निकाल ही लिया। He turned a little pale, मैथिल हस्बैंड, he turned a little pale, वो थोड़े निराश हो गए, pale होना, निराश हो गए, because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country near Nanterre. देखिए, अपने पति पत्नी से 400 francs के बारे में सुन के he become pale, वो थोड़े निराश हो गए, because क्योंकि he had been saving that exact amount, क्योंकि उन्होंने उतने ही पैसे सेव करके रखे थे, किसके लिए सेव करके रखे थे, to buy a gun, एक गन खरीदने के लिए उन्होंने उतने ही पैसे सेव करके रखे थे, for a hunting summer, मतलब समर सीजन में शिकार पर जाने के लिए वो एक गन खरीदना चाहते थे, in the country near Nanterre, Nanterre के बगल में, अपने दोस्तों के साथ या समर सीजन में वो वहां पर हंटिंग के लिए जाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने वो गन खरीदना चाहते थे, और उतने ही पैसे उन्होंने सेव करके रखे थे। With a few friends, however, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." देखिए, तो दोस्तों के साथ समर सीजन में हंटिंग पर जाने का उनका जो सपना था, जिसके लिए वो गन खरीदना चाहते थे, उसे उन्होंने साइड में किया, एंड ही सेड, "Very well, अच्छी बात है, I can give you 400 francs. मैं आपको 400 francs दे सकता हूँ, but try and get a really beautiful dress. लेकिन आप मार्केट में जाइए और वहां से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद के लाइए। पत्नी की इच्छा, अपने पति ने अपनी इच्छाओं को टाल के पत्नी की इच्छा पूर्ण करने की यहाँ पर कोशिश की है। The day of the party drew near. देखिए, the day of the party drew near. पार्टी का जो दिन था वह करीब आ रहा था, and Madame Loisel seemed sad. Madame Loisel means Mathil, she was looking very upset again. वो फिर से एक बार upset दिखाई दे रही थी, restless, anxious, though her dress was ready. देखिए, Madame Mathil जो थी वो बहुत ही upset दिखाई दे रही थी, जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा था, वो upset क्यों थी, उनका ड्रेस तो रेडी था, though her dress was ready. उन्होंने ड्रेस भी खरीद लिया था, पति ने पैसे भी दिए थे, इसके बाद भी वो बहुत ही अपसेट थी, बहुत उदास थी, बहुत चिंता में फंसी हुई थी। तो चिंता का कारण क्या था, अभी पढ़ेंगे। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम को उनके पति ने उन्हें कहा, व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, अब क्या हुआ, मतलब पहले तो आपको ड्रेस चाहिए था, अब क्या परेशानी है, यू आर लुकिंग अपसेट अगेन, व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज, आपका जो बर्ताव है पिछले 3 दिनों से बहुत अजीब दिखाई दे, स्ट्रेंज बिहेवियर, एक्टिंग स्ट्रेंज मतलब आपका बर्ताव बड़ा अजीब दिखाई दे रहा है, बात क्या है। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, शी रिप्लाइड, और उन्होंने रिप्लाई किया, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, आई एम अपसेट, उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, आई एम वेरी सैड बिकॉज आई हैव नो ज्वेल्स, क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेल्स नहीं है। जैसे हर एक महिला, संसार की हर एक महिला ज्वेलरी चाहती है और वो उदास हो जाती है, तो यही पर वही कहानी आपके सामने है। मैथिल ने कहा कि आई एम अपसेट बिकॉज आई हैव नो ज्वेल्स, क्योंकि मेरे पास ज्वेल नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन, मतलब एक जिसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक पर्ल जो होता है या डायमंड होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, बेटर यही होगा कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी। तो इस तरीके से मैथिल ने अपने हस्बैंड को रिप्लाई दिया और उनके उदासी का कारण उन्होंने बताया कि मैं क्यों उदास हूं। यू कुड वियर अ फ्लावर, ही सेड, so the Mathil husband said to Mathil, you could wear flowers, aap flowers pehen sakti ho,
दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. और आजकल तो फ्लावर का ही फैशन चल रहा है, ये नेकलेस वगैरह डायमंड के हार जो होते हैं इनसे बेटर फ्लावर लगते हैं. फैशन इज गोइंग ऑन नाउ, इस तरह का फैशन चल रहा है, सो यू कुड वियर फ्लावर्स, आप फ्लावर पहन सकते हो. शी वॉज नॉट कन्विंस, बट वो कन्विंस नहीं हुई. कन्विंस होना मतलब समझना, मैथिल वाजंट कन्विंस, वो समझ नहीं पाई, मतलब उन्हें जो चाहिए था वो चाहिए ही था. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर अपर डिस्ट्रेस. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, she went to her friend's house, वह अपने दोस्त के घर गई. And told her of her distress, और उन्होंने अपना जो distress था, मतलब जो नाखुश होने का reason जो था, जो निराशा उनके मन में थी, वो सब निराशा उन्होंने अपने दोस्त को बताई, अपने सहेली को बताई. She told her of her distress. Madam Forestier, वो किसके घर पे गई थी, तो मैडम फॉरेस्टियर उनकी एक फ्रेंड है, उनके घर पे वो गई थी. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर वार्डरोब, तो मैडम फॉरेस्टियर ने उनकी वो दुख भरी दास्तान सुनी. एंड शी वेंट टू द मिरर वार्डरोब, वो मिरर वार्डरोब के पास गई, वो जो कपबोर्ड होता है वहां गई. एंड टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, और वहां से उन्होंने एक लार्ज बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स वो लेके आई. ब्रॉट इट बैक, उसे लेकर वो आई. Open it and said to Madame Loisel. और उन्होंने उसे खोला. And said to Madame Loisel and he said to Mathilde. और उन्होंने Mathilde से कहा, choose my dear friend, whatever you want, you can choose from this box. आपको जो पसंद आता है, जो गहना आपको पसंद आएगा, आप उस box में से उसे ले लीजिए, choose कीजिए. First, Mathilde saw some bracelets. First, मतलब शुरुआत में जैसे उन्होंने वो बॉक्स देखा, बॉक्स को देखने के बाद मैथिल सॉ सम ब्रेसलेट, ब्रेसलेट मतलब जो कंगन होते हैं, उन्होंने कुछ कंगन देखे. देन अ पर्ल नेकलेस, और उसके बाद उन्होंने एक पर्ल नेकलेस देखा, मोतियों से, मतलब मोतियों का जो हार होता है, बहुत खूबसूरत दिखता भी, हर एक महिला की जो पसंद है अलग अलग है, तो उन्हें एक पर्ल नेकलेस उन्होंने वहां देखा. एंड शी tried on the ज्वेलरी इन द मिरर, और उन्होंने जो जो ज्वेलरी उन्हें अच्छी लग रही थी वो मिरर के सामने जाके उसे गले में डाल के, कान में जो कुछ होगा ज्वेलरी, वो सब पहन के वो देख रही थी. She was trying, she kept asking, और वो बार बार बोल रही थी, you have nothing else, क्या आपके पास और कुछ नहीं है, you have nothing else, why, yes, but I don't know what you like. Then Madam Forestier replied, why, two, yes, मेरे पास है, but I don't know what you like. लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है. I don't know what you like or what you dislike. I have a lot of jewelry, but I can't understand your feeling, your, आपको क्या पसंद आता है, ये सब मैं नहीं जान सकती हूँ. तो suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace. अचानक she discovered, उन्होंने उसमें से खोज निकाला जो कुछ सैटिन बॉक्स मैडम फॉरेस्टियर ने लाके दिया था, उसमें से उन्होंने क्या निकाला, एक डायमंड नेकलेस, उसको खोज निकाला. Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace and her heart began to be uncontrolled desire. देखिए, और जैसे वो डायमंड नेकलेस उन्होंने देखा, सुपर डायमंड नेकलेस वहां से उन्हें मिला, और उसे मिलने के बाद, देखने के बाद, हर हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर. अनकंट्रोल्ड डिजायर मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. हर हार्ट बिगन टू बीट, उनका जो हार्ट था वो धड़कने लगा था, मतलब उनका दिल धड़कने लगा था विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर. उसे देखकर, मतलब वो देखते ही उन्हें पसंद आने के कारण उनके हार्ट बीट बढ़ गए थे, ऐसा यहाँ पर राइटर को कहना है, ऐसा बताना चाहते हैं. सो हर हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, हर हैंड्स ट्रिम्बल एज शी टूक इट. हर हैंड्स ट्रिम्बल, उनके जो हाथ थे वो कांपने लगे थे, ट्रिम्बल हो रहे थे एज शी टूक इट. और जैसे उन्होंने उस डायमंड नेकलेस को छुआ, उसे लिया अपने हाथों में, हर हैंड स्टार्टेड ट्रिम्बल,
उनके हाथ कांपने लगे थे. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. देखिए, she fastened it. उन्होंने उसे तुरंत पहन लिया and around her neck, अपने गले में उसे पहन लिया and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और जैसे उसने उन्होंने उस हार को, उस नेकलेस को पहन लिया, वो मतलब परमानंद में खो गई. ecstasy मतलब कि एक उच्च आनंद जिसे कहते हम लोग. हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ मतलब कि ये बहुत ही एक बहुत खुशहाली का ये पल था जो अभी वो जी रही थी. जैसे उन्होंने वो नेकलेस अपने गले में डाला, वो बहुत खुश हो गई और जो उन्हें चाहिए था वो मैडम फॉरेस्टियर के सैटिन बॉक्स में उन्हें मिल चुका था. देन शी आस्क एंशियसली मतलब थोड़ा वरीड होके, चिंता में कि भाई इतना बड़ा गहना है, महंगा होगा, देंगे कि नहीं देंगे. देन शी आस्क एंशियसली थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, बोली, हेजिटेटिंग, ना हा करते करते, मांगो कि नहीं मांगो, वुड यू लैंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या आप मुझे ये नेकलेस दोगे, जस्ट दिस, सिर्फ यही, ओके, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्या आप मुझे ये नेकलेस दोगे. व्हाई, यस ऑफ कोर्स, व्हाई, क्यों नहीं दूंगी ना, ऑफकोर्स, श्योर, मैं आपको ये नेकलेस दे सकती हूँ. दैट इज द रिप्लाई ऑफ मैडम फॉरेस्टियर. मैडम फॉरेस्टियर ने इस तरह का रिप्लाई मैथिल को, उनके फ्रेंड को दिया. शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक. और जैसे उन्होंने हाँ में आंसर सुना, शी हग हर फ्रेंड्स. शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक मतलब कि उन्होंने अपने दोस्त को, अपने सहेली को क्या किया, हग किया. शी हग्स हर फ्रेंड्स रैप्चुरसली देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर. और फिर उसके बाद ये जो खजीना था जिसे हम लोग ट्रेजर कहते हैं, उस ट्रेजर को लेके जो उन्हें बहुत पसंद आ चुका था, तो रैप्चुरसली मतलब बहुत हैप्पीली उस खजीने को लेके वो वहां से निकल गई. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड. फिर वह पार्टी का दिन आया, मंडे 18 जनवरी, जिस दिन उन्हें इन्वाइट किया गया था, तो पार्टी का दिन आया. मैडम लॉजेल वॉज अ सक्सेस मतलब शी वॉज सक्सेसफुल नाउ. उन्हें जो चाहिए था, नया ड्रेस उन्हें मिल चुका था, उन्हें डायमंड जो नेकलेस चाहिए था वो भी उनके पास था. मींस शी वाज एंजॉयिंग द पार्टी नाउ. अभी वो पार्टी एंजॉय करने में सफल थी. शी वाज प्रीटियर देन ऑल द अदर वुमन. पार्टी में जितनी भी महिलाएं आई थी उनसे अधिक प्रीटियर, बहुत ही खूबसूरत और लग रही थी. एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. बहुत ही वो एलिजेंट, ग्रेसियस मतलब बहुत खुश दिख रही थी. उनके चेहरे पर किसी भी तरह की नाराजगी वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी. एलिजेंट थी, बहुत आकर्षक दिखाई दे रही थी. और आगे उन्होंने कहा है, स्माइलिंग, उनके चेहरे पर स्माइल थी एंड फुल ऑफ जॉय. शी वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ द पार्टी. पार्टी का हर एक मोमेंट वो एंजॉय कर रही थी. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड. मैडम लॉयजर वॉज अ सक्सेस. शी वॉज अ प्रीटियर देन ऑल अदर वुमन. एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. She danced wildly, बेतहाशा होकर उन्होंने डांस किया, with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success. मतलब उनकी सुंदरता तो सुंदर तो थी ही. She was born in a poor family, but she was so beautiful lady. वो बहुत सुंदर थी और अभी वो सफल भी हो चुकी थी क्योंकि उन्हें जो चाहिए था, नया ड्रेस, डायमंड भी उन्हें मिल चुका था. So she was a successful now. तो इन सब चीज, ये सब चीजें मिलने के बाद उन्होंने उस पार्टी में हर एक पल एंजॉय किया. उन्होंने बहुत बेतहाशा होकर वहां डांस किया, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. ऐसे लग रहा था कि वो अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी के जो बादल होते, बादलों में वो तैर रही थी. इस तरह का इमेजिनेशन यहाँ पर राइटर ने किया है. तो मतलब वो बहुत खुश होकर उस पार्टी को एंजॉय कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. तो मैथिल और उनके हस्बैंड ने पार्टी को सुबह करीब करीब 4 बजे को छोड़ा, मतलब सुबह 4 बजे वो पार्टी से लेफ्ट हुए. When they were finally in the street, जब वो स्ट्रीट पर आए, रास्ते पर आए, they could not find a cab. उन्हें किसी भी तरह की वहां पर कैब, मतलब जो टैक्सी हम लोग ढूंढते हैं घर जाने के लिए, तो टैक्सी वहां पर उन्हें नहीं मिली. They walked down towards the scene. ये जो सीन वर्ड आया है, यह एक नदी का नाम है. तो सीन नदी के तरफ वो दोनों
पैदल पैदल चलने लगे टिल दे फाउंड वन, और वहां तक आने के बाद उन्हें एक कैब वहां पर मिली। दे वर ड्रॉप ऑफ एट देयर डोर इन द रू डेज मार्टियर्स एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। और अंत में उन्हें टैक्सी मिली और टैक्सी में बैठ के वह अपने घर पे। दे वर ड्रॉप ऑफ एट देयर डोर इन द रू डेज मार्टियर्स। मार्टियर्स ये जो उनका घर है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पास टैक्सी वाले ने उन्हें ड्रॉप किया। एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब कि भाई बुरी तरह से सब कुछ अभी खत्म हो चुका था। इट वॉज सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अभी सब कुछ जो खत्म हो गया था बहुत बुरी तरीके से हुआ था। अभी कैसे बुरी तरीके से, देखिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब वो आईने के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, मतलब जितनी वो खूबसूरत दिख रही थी अपने खूबसूरती के साथ, अभी फाइनल लुक, एक अंतिम लुक करने के लिए वो आईने के सामने गई। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और अचानक से वो जोर से चिल्लाई, शी अटर्ड, शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक, जो नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर से उन्होंने बोरो किया था, द नेकलेस वॉज नॉट फाउंड नाउ, और नेकलेस उनके गले में नहीं था। व्हाट इज द मैटर, आस्क हर हस्बैंड, और उनके पति ने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग सो लाउडली, आप इतने जोर से क्यों चीख रही हो, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ है, आस्क हर हस्बैंड, उनके पति ने पूछा। शी टर्न टुवर्ड्स हिम, पति की तरफ मुड़ी, स्ट्राइकिंग होना मतलब से भय होना, बहुत डर जाना। शी टर्न टुवर्ड्स हिम, पति की तरफ मुड़ी, पैनिक स्ट्राइकिंग, बहुत डरी हुई थी। आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, और उनके मुंह से जो वर्ड निकले है यहाँ पर राइटर ने बताया है, आई हैव मेरे पास है, मेरे पास था, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस, मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस था अभी वो नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। सो हस्बैंड स्टूड अप, वो बैठे थे अपने घर में जाके सोफे पे बेड पे बैठे होंगे, ही स्टूड अप और खड़े हो गए, डिस्ट्रॉट, बहुत ही निराश हो गए, चिंता में फंसे हुए थे, वरीड थे, वॉज वरीड, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, दैट्स इम्पॉसिबल, ये जो कुछ हुआ है वो तो इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये जो नेकलेस लेसन था इसका पार्ट वन अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन एंड द मीनिंग ऑफ द लेसन इन योर मदर टंग। Now I'm going to ask questions. I hope you will be ready to give the answer. So the first, where was the metal bond? Where was the metal bond? Yes. Can anyone tell me the answer? Where was the metal bond? सवाल जो पूछा है उसका मीनिंग है कि मैथिल का जन्म कहाँ पे हुआ था। अभी हमने इस लेसन में पढ़ा कि वो बहुत खूबसूरत थी लेकिन बाय एरर ऑफ फेट उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सवाल तो यही है, वेयर वॉज मैथिल बॉर्न। यस यस बेटा, टेल मी द आंसर। सर मैथिल परिवार, वेयर वॉज द मैथिल बॉर्न, मैथिल का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। हाँ तो आपको थोड़ा इंग्लिश भी बोलने की प्रैक्टिस करनी बेटा। द मैथिल्ड वॉज बॉर्न इन टू द क्लर्क्स फैमिली, इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। या शी वॉज बॉर्न इन टू द क्लर्क्स फैमिली, ओके। हाँ सर, आगे दूसरा सवाल देखिए, हाउ वॉज मैथिल्स हाउस, हाउ वॉज मैथिल्स हाउस। यस काजल, कौन है, बोलिए बेटा, टेल मी योर आंसर,
How was Mathilde house? Hello. Yes, yes, boliye. What is the answer? How was Mathilde house? Sir, answer question nahi likhoge. Hello. How was Mathilde house? Tell me your answer. सर क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा हो गया बेटा. समय लेसन बड़ा लेंदी था इसलिए जो पॉसिबल हुआ उसी को मैंने ट्राई किया है करने का. सो सिंपल दो चार सवाल मुझे आपको पूछने थे क्योंकि वहां जो वर्कशॉप है बड़ा लेंदी है और पहले तो लेसन भी लेंदी था तो इतना पॉसिबल नहीं होगा. यस बेटा, हाउ वॉज द मैथिल्ड हाउस? मैथिल्ड का जो घर था वो कैसे था या कैसा था, इस तरह का सवाल है. काजल यादव बोलिए. यस, गिव मी द आंसर. The Mathilde house was shabby and poorly furnished. Her house was shabby and poorly furnished. तो इस तरीके का उनका जो घर था बहुत पुराना था और वो well furnished था. So in this way, today we learn about the lesson necklace. I hope you very clearly understood the lesson and the meaning of the story in your mother tongue.